आप देख रहे हैं P21 न्यूज़। आज की मुख्य खबर, सहारनपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 60 में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाने का कैंप लगा, जिसमें 100 के लगभग क्षेत्रवासियों ने आयुष्मान कार्ड बनवाए। क्षेत्रवासियों ने भारतीय जनता पार्टी व मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का बहुत आभार जताया और बताया जो गरीब आदमी पहले महंगे अस्पतालों में अपनी बीमारी का इलाज नहीं कर सकते थे, वह अब रुपये 5 लाख तक का इलाज फ्री करा रहे हैं। क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी फयाज मलिक ने कैंप में आए आयुष्मान कार्ड बनाने वाले क्षेत्रवासियों का धन्यवाद किया और कहा कि मुस्लिम समाज भी सरकार की योजनाओं का पूरा फायदा उठा रहे हैं। वरिष्ठ समाज सेवी फयाज मलिक ने केंद्र सरकार की मिलने वाली योजनाओं के बारे में, क्या नाम है आपका? फयाज मलिक, जिला संयोजक मुस्लिम राष्ट्र मंच। आज क्या प्रोग्राम है यहाँ? हमारे यहाँ पे कैंप लगा हुआ है आयुष्मान कार्ड के द्वारा। क्या आयुष्मान कार्ड जो क्या है इसका? वो इसमें जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसको चलाया, इसलिए कि जो लोग गरीब होते हैं उनके यहाँ बड़ी कोई बीमारी आ जाती है, जैसे अटैक वगैरह आ गया या कैंसर वगैरह हो गया, तो उसका इलाज नहीं करवा पाते गरीब लोग। तो इसमें गरीब लोगों के लिए बनाया गया इसे, ताकि 5 लाख रुपए के जो इलाज में जो उन्हें सहूलत मिल सके। 3-4 लाख रुपए वो गरीब लोग लाएंगे कहाँ से? अब 3-4 लाख रुपए उनपे होंगे नहीं तो इलाज नहीं करा पाएंगे, तो उनका मरीज ऐसे ही गलसड़ के मर जाता है। तो हमारी सरकार ने ये योजना बनाई कि गरीब लोग जो है हमारे देश के बच सके और वो अपना इलाज बहुत अच्छी तरीके से बढ़िया अस्पताल में करा सके। आज कितने आदमियों ने अब तक रजिस्ट्रेशन करा दिया? करीब 50 या 55 लोगों के बीच में रजिस्ट्रेशन हो चुका और शाम 8 बजे तक ये प्रोग्राम चालू रहेगा। हम कोशिश करेंगे 400-500 लोगों का रजिस्ट्रेशन करा सकें। ये जो है आज ही है या इसका जो कार्यक्रम है आयुष्मान कार्ड का आगे भी चलता रहेगा? फिलहाल तो देखो, ये हमने जो है एक प्रोग्राम करवाया था पीर वाली गली में, बरेलियों के मदरसे में, जिला मंत्री साहब इरफान भाई के यहाँ, और अब ये आज हमारे यहाँ प्रोग्राम हो रहा है। ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जानिब से यहाँ पे है। हम ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ध्यान में रखते हुए ये काम करें, ताकि आगे भी विकास का मुद्दा चलता रहे और लोगों को हमारी पार्टी की तरफ से सहूलत मिलती रहे, हम लोगों के काम कराते रहें। मैं ये चाहूँगा अपने लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि लोग मेरे हाथ मजबूत करें, ताकि मैं लोगों का इसी तरह और भी काम करा सकूं और अपनी बस्ती के अंदर अच्छी अच्छी योजना ला के बाँट सकूं सरकार से और यहाँ मोहल्ले के अंदर एक विकास करा सकूं। इसके लिए मैं चुनाव चाहता हूँ कि चुनाव लड़ूं और मुझे लोग जिताएं, वोट देंगे, ताकि मैं आगे। मोहल्ले वालों ने क्या आश्वासन दिया चुनाव के बारे में? मोहल्ले के लोग कह रहे हैं मेरे हाथ बटा रहे हैं और मुंडे से मुंडा मिलाने का मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपको वोट देंगे। 2022 में पार्षद नगर निगम के चुनाव होने, क्या उम्मीद है कि आपको जो स्थानीय जो यहाँ के वार्ड के आदमी हैं वार्ड 60 के, आपको उम्मीद है कि वो आपको जो सहयोग करेंगे इसमें? मुझे बहुत उम्मीद है और मेरी बहुत तमन्ना भी है। लोगों ने मुझे कहा कि आप पार्टी से लड़ो, तो बीजेपी के निशान से यानी कि कमल के निशान से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ और इसमें मुझे पक्का यकीन है कि मेरे सेक्टर के लोग सारे मेरे साथ हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जानिब से है और आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं यहाँ पे, और भारतीय जनता पार्टी ने अब तक मुस्लिम को सबसे ज़्यादा योजनाएं दी हैं और इसका लाभ भी मिला है सबको, और ये भी योजना सबसे ज़्यादा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से और भारतीय जनता। आपके परिवार ने आयुष्मान कार्ड बनाया है अब तक? जी बनाया है। कितने आदमी का कार्ड बने अब तक? आप 2-3 आदमी का बन चुका है अभी, और भी कोशिश। और आप क्या कहना चाहेंगे इसे? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी को आगे तक लेके जाए। फयाज ने जो यहाँ पे योजना चलाई है ये मोहल्ले वालों के लिए सुविधा के लिए बनाई। आपको फायदा होगा इससे जी? आपके परिवार को भी फायदा होगा? जी हमें भी फायदा, हमारे परिवार को फायदा और हमारे मोहल्ले वालों को भी फायदा। आप अपने जो परिवार के हैं उनका भी आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे सबका? बनवाने आया हूँ। जिनका नहीं बना हुआ है वो मैं वहाँ बोल के आया।